पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दिखाते आपको पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिलीगुड़ी के फुलबारी इलाके की। तस्वीर में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। दरअसल ये हंगामा तब शुरू हुआ जब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी को पुलिस अरेस्ट करने पहुंची। इससे पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के नियमों के एक दूसरे पर आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस टीएमसी के आदेश पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदान खत्म होने के बाद भी हिंसा जारी रही। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। हाथ में डंडा लिए लोगों का यह नजारा कूच बिहार के दिनहाटा का है। चुनाव के दिन इस इलाके में हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए। बीजेपी का आरोप है कि हमले में पार्टी के बूथ अध्यक्ष को काफी चोट लगी है। पूरे बंगाल को ये लोग तृणमूल कांग्रेस संदेश खाली बना चुका है। जितना भी प्रयास कर ले तृणमूल कांग्रेस नहीं जीत सकता, ये तृणमूल कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है। टीएमसी भी वैसे वायलेंस के अलावा नहीं रह सकता।